हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप इस तरह से जो है किसी भी टीवी के किट में जो है अलग से ऑडियो आईसी आप सेट कर सकते हैं। आज हम इस ऑडियो आईसी को जो है, ये 6283 आईसी का बोर्ड है, तो इसको मैं जो है इससे कनेक्ट करूँगा और जो हमारा ऑडियो का काम है, ये यहाँ पे जो 2003 का एसी लगा हुआ था 2003, उस जगह पे जो है हम ये बोर्ड इसमें इंक्लूड करेंगे और इसके साथ में जो है हमारा ऑडियो का काम होगा। और इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जो टीवी से साउंड कम ज़्यादा होता है वो भी हमारा काम करेगा, जो सेटअप बॉक्स से कम ज़्यादा होता है वो भी हमारा काम करेगा, यानी कि परफेक्टली हमारा इस तरह से वायरिंग हम करके दिखाएंगे कि हमारा जो है सारा सिस्टम सही रहेगा। बट जो साउंड का काम है, जो हमारा ये आईसी करता था, उस जगह पे हमारा ये आईसी साउंड का काम करेगा। ये हमारा एक पुराना 6283 आईसी किट रखा हुआ था, तो इसको मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ और उसके बाद फिर चेक करता हूँ कि हमारा जो ऑडियो है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो अगर ये ऐसी सही होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये ऐसी सही है कि ख़राब है, अगर ऐसी ख़राब होगा तो मैं ऐसी भी चेंज करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं वायरिंग करके इसको मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो ऑडियो का काम है वो परफेक्ट हुआ कि नहीं। वीडियो पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं इसका वायरिंग करके आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से वायरिंग करेंगे, जो आपका टीवी के रिमोट से भी वॉल्यूम कम ज़्यादा करेंगे तो आपका जो है काम करेगा रिमोट। दोस्तों, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वायरिंग करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका जो दो वायर है पावर सप्लाई वो देना है, तो पावर सप्लाई के लिए मैंने दो वायर ले लिया। एक ये माइनस हो गया मेरा, और एक इसका ये प्लस हो गया। अब उसके बाद मुझे दो इसमें से ग्रिड लेना है। तो इसका आप देख सकते हैं, एक जो ग्रिड का पिन है वो ये है और एक दूसरा ये है। दोस्तों, इस ग्रिड को अगर आप टीवी के ग्रिड से कनेक्ट करेंगे तो ही आपका जो है सिस्टम ऐसे काम करेगा रिमोट के साथ। अगर आपने इस ग्रिड को डायरेक्ट जो है कनेक्टर पे दे दिया तो वो आपका जो है सिस्टम ऐसे से काम नहीं करेगा रिमोट। ये मैंने दोनों ग्रिड का वायर लगा दिया है, अब मैं इसको वायरिंग कर लेता हूँ। अब इसमें आपको दिखाता हूँ मैं कि जो हमारा सप्लाई है वो सप्लाई हमारा इसमें से वो ये आ रहा है, और ये रेजिस्टेंस हमारा इस पिन पे, ये एसी का पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया इसका स्पीकर, ये हो गया इसका एक ग्रिड, और एक हो गया ये ग्रिड। इस एसी में 2003 के एसी में दो ग्रिड होता है, और ये बीच वाला हो गया मेरा अर्थ, ये अर्थ हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये आपका स्पीकर हो गया, और ये ग्रिड हो गया, और ये ग्रिड हो गया। ये पांचों पिन का यही फार्मूला है। अब चलिए हम वायरिंग करके दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, निगेटिव और पॉजिटिव का मैंने वायरिंग कर दिया, और इसका जो ग्रिड का वायरिंग है वो भी मैं कर देता हूँ। तो एक ग्रिड आपका ये रहा जो एसी के पिन से आया हुआ है, और दूसरा ग्रिड इसका ये रहा जो एसी के पिन से आया हुआ है।
अब जो स्पीकर है, स्पीकर हम डायरेक्ट इसमें जोड़ सकते हैं। स्पीकर का दोनों वायर मैंने इसमें लगा दिए। अब जो है, चलिए दोस्तों, अब मैं टीवी को ऑन करके थोड़ा सा इसका चेक करता हूँ, इसका साउंड आ रहा है कि नहीं। दोस्तों मैंने वायरिंग तो कर दिया है, अब चलिए अब आपको दिखाते हैं हम कि हमारा जो आगे से साउंड टीवी से कम ज़्यादा होता है कि नहीं। उसके लिए हमें इसका जो है कनेक्टर लगाना पड़ेगा, सेंसर का। देख सकते हैं दोस्तों, इसका साउंड कम कर रहा हूँ, कम हो गया रिमोट से, ज़्यादा कर रहा हूँ, ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से आप लोग जो है ऑडियो क्लिप अलग से लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं, अब मैं क्या करूँगा, टीवी ऑफ करके और इसको जो है देख लीजिए, इसमें बस चार वायर की जरूरत थी, दो तो ये स्पीकर का ही हो गया, लेकिन दो और दो चार, दो सप्लाई के लिए 12 वोल्ट सप्लाई के लिए और दो जो है ग्रिड के लिए। तो ग्रिड का जो वायर कनेक्शन आप करेंगे तो जब आप IC के पिन से कर देंगे ग्रिड का कनेक्शन, जैसा कि मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं एक ग्रिड ये रहा, एक ग्रिड ये रहा, इस IC का ये बीच वाला अर्थ है, ये वाला स्पीकर है और ये वाला 12 वोल्ट सप्लाई है। तो इसका जो है ये पिन का यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने सोल्ड कर दिया है, और इस पिन का जो है यहाँ पे आया हुआ है, तो ये लेफ्ट राइट होता है साउंड सेक्शन, लेफ्ट राइट। तो मैंने दोनों ग्रिड जो है इस AC का दोनों ग्रिड लेकर के यहाँ डाल दिया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बहुत खास वीडियो है, तो आप देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।